यूक्रेन जंग के बीच रूस का कलिनिनग्राद शहर अलग थलग पड़ने लगा। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक बोल दिया कि रूस के इस शहर को वही का वही हाल होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ईस्ट बर्लिन का हुआ था। कलिनिनग्राद है तो रूस का शहर, लेकिन ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और इसी वजह से इसकी तुलना 1948 के ईस्ट बर्लिन से होने लगी। यानी कलिनिनग्राद में भी लोग उसी तरह परेशान हो सकते हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो हिस्सों में बटे बर्लिन के पूर्वी हिस्से के लोग हुए थे, क्योंकि जर्मनी के अब के बर्लिन और तब के बर्लिन में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1948 में बर्लिन के पूर्वी हिस्से या यूं कहें कि ईस्ट बर्लिन पर तब के सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था और वेस्ट बर्लिन पर अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों का अधिकार था। 1961 में तो पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी जिससे रूस के या तब के सोवियत संघ के कब्जे वाला पूर्वी बर्लिन अलग थलग पड़ गया था और वहां भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद वहां से पलायन होने लगा। आंकड़े तो ये तक कहते हैं कि गरीबी से परेशान ईस्ट बर्लिन का हर छठा आदमी वेस्ट बर्लिन चला गया था, क्योंकि पूर्वी हिस्से में कम्युनिस्ट सरकार की कमजोर नीतियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था और सालों बाद ईस्ट बर्लिन की तुलना कलिनिनग्राद से हो रही। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूस ने जो नीतियां अपनाई वो उस पर वैसे ही भारी पड़ेंगी जैसे ईस्ट बर्लिन में पड़ी थी और खमियाजा भुगतेंगे कलिनिनग्राद के लोग, क्योंकि कलिनिनग्राद दो तरफ से लिथुएनिया और पोलैंड से घिरा है। यहां रेल से होने वाली सामान की सप्लाई भी लिथुएनिया के रास्ते होती है, लेकिन लिथुएनिया ने रूस से दुश्मनी मोल लेते हुए वो रास्ता बंद कर दिया है जिसकी वजह से वहां कई जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई है। हालांकि रूस इस मुद्दे पर लिथुएनिया को बख्शने के मूड में नहीं है। पश्चिमी मीडिया का एक धड़ा इसे रूस का प्रोपेगेंडा भी बोल रहा है और कह रहा है कि पुतिन कलिनिनग्राद पर लिथुएनिया के फैसले पर जानबूझकर शोर मचा रहे हैं क्योंकि वो नेटो को यूक्रेन जंग में घसीटने का बहाना ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया तो ये तक कह रहा है कि अपना मतलब निकालने के लिए वो कलिनिनग्राद को ईस्ट बर्लिन में बदल देंगे। रूस के विरोध में बोलने वाले पश्चिम के अखबार और वेबसाइट भले ही ये दावा कर रहे हों, लेकिन पुतिन के लिए कलिनिनग्राद की अहमियत किसी से नहीं छिपी। वो दुश्मनों से घिरे अपने इस शहर की जान पर खेलकर हिफाजत करते हैं। उन्होंने वहां अपना परमाणु सेंटर भी बनाया है, यानी कलिनिनग्राद वो जगह है जिससे यूरोप के देशों के पसीने छूटते हैं। लिथुएनिया को तो पुतिन फूंक मारकर तहस नहस कर सकते हैं और उसकी यूक्रेन जैसी दुर्दशा हो सकती है, क्योंकि बाल्टिक सागर के पास बसा कलिनिनग्राद रूस का कोई मामूली शहर नहीं है। वहां पुतिन ने ऐसे परमाणु बम रखे हैं जिनसे जर्मनी जैसे यूरोप के देश कांप उठेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जर्मनी और यूरोप के कई देश कलिनिनग्राद में रखी इस्कंदर मिसाइल की रेंज में आते हैं। हाल ही में रूस ने वहां परमाणु हथियार चलाने की प्रैक्टिस करके यूरोप को सावधान भी किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश परेशान हैं और रूस के कलिनिनग्राद शहर को अपना टारगेट बना रहे हैं। यानी कलिनिनग्राद के नाम से बाल्टिक देश थर्रा रहे हैं, क्योंकि ये रूस का वो ठिकाना है जहां उसने दुश्मनों की बर्बादी का सामान रखा है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश इसी बात से परेशान है और वो लिथुएनिया की आड़ में अपनी चाल चलकर रूस को परेशान कर रहे हैं, या यूं कहें कि कलिनिनग्राद के लिए रास्ते बंद करने का ऐलान भले ही लिथुएनिया ने किया, लेकिन इसके पीछे दिमाग यूरोपियन यूनियन का था जिसे रूस ने पकड़ लिया और लिथुएनिया को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली।